अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक नई चीज़ शेयर करूंगी जो कल मैं अपने हेयर बैंड वाले वीडियो में आपको दिखाया था, स्पाइरल। ये आप किसी भी डोरी के बॉटम में ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है, किसी ब्रोच के लिए आप किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है इस फ्रॉक की, ये आप देख सकते हैं डोरी के साथ अटैच ही है और इसके बॉटम पे ऐसे हैंग होगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। मैं अब आपसे इसको शेयर करती चाहती हूँ। चले अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 mm क्रोशे हुक। आपको जो रिक्वायर्ड है, आपको हैंड पे जो सूट करती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये कंफर्टेबल है, मैं इसके साथ काम अपना स्टार्ट करूँगी। ये मेरे पास इम्पोर्टेड वूल है, साथ में इसके काम शुरू करूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होंगी 26 चेन्स। जो बेसिक हमारी फाउंडेशन चेन है उसकी मैं बात कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4 जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने 26 चेन्स बनानी है, फाउंडेशन चेन जिसको हम कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बना ली। अब मैं इससे आगे का काम आपसे शेयर करती जाऊंगी। अब मैंने अपना काम स्टार्ट करने के लिए पहले 2 चेन लेनी है और जो हमारी 3rd चेन थी उसके अंदर मैंने 3 डबल क्रोशे ऐड करने हैं। ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3। इसके स्टार्ट पे मैंने 2 फाउंडेशन चेन्स ली थी, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने फर्स्ट स्टिच में, फर्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे ऐड किए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फिर बताती जाती हूँ। नेक्स्ट जो चेन है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे ऐड करने हैं, यानी कि हम हर स्टिच के अंदर 3 3 डबल क्रोशे ऐड करते जाएंगे तो हमारा ये स्पाइरल वाला डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, यानी ये मैं अब ऐसे ही इसको कंटिन्यू करती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं हर स्टिच के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशे ऐड करने हैं। अब आप देखते जा रहे हैं ये स्पाइरल की फॉर्म में आता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नहीं है जी। मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हर चेन के अंदर आपने 3 3 डबल क्रोशिए डालते जाने हैं, यानी हमारी जो सिंगल स्टिच है, सिंगल चेन है, इसमें हमने हर सिंगल चेन के अंदर 3 3 डबल क्रोशिए ऐड करते जाने हैं एंड तक। मैं आपके साथ फिर शेयर करती जाती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे अभी नेक्स्ट चेन में मैंने 1, 2 देख सकते हैं 3 डबल क्रोशिए एक चेन में, हर चेन के अंदर मैंने 3 3 डबल क्रोशिए लेने हैं एंड तक। मैं आपके साथ फिर वापस आती हूँ जी। आप देखते जा रहे हैं जैसे ये स्पाइरल की शेप में आता जा रहा है, ये अब खुद ही ट्विस्ट होगा। ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा स्टिचेस डाले हैं, इसकी वजह से ये राउंड है, ये सीधा नहीं है। ये इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये ट्विस्ट होता जा रहा है। ऐसे ही इसको एंड तक बनाते जाएंगे, हर चेन के अंदर 3 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, ऐसे ही एंड तक आपने बनाना है। इसको आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी डोरी की एजिंग पे आप लगा सकते हैं, किसी फ्रॉक के ऊपर लगा सकते हैं, किसी फ्लावर के बॉटम में आप अटैच कर सकते हैं। मैंने कल एक हेयर बैंड शेयर किया था आपके साथ, उसके बैक साइड पे ये आया था। तो आज मुझे ये आइडिया आया कि मैं आज आपसे ये स्पाइरल बनाना शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं ये हर चेन के अंदर मैंने 3 3 डबल क्रोशिए बस ऐड करने हैं और ये हमारा स्पाइरल इतना ईजीली बनता जा रहा है। अगर किसी को कोई इशू हो, कोई डिज़ाइन मेरे से शेयर करना हो, पूछना हो, तो काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें
ताकि मैं अच्छे अच्छे से और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। अपना काम, अपने ऑर्डर्स जैसे जैसे मैं बनाया करूंगी साथ साथ आपको दिखाया करूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं किसी वीडियो के लिए, किसी डिज़ाइन के बारे में पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही स्पाइरल की शेप में खुद ही बनता जा रहा है। बेसिक सही है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने चेन के ऊपर हर चेन के अंदर तीन तीन डबल क्रोशी लिए हैं, तो मेरा ये सिंपल सा इजी सा डिज़ाइन बनता गया। जैसे मैंने ये फ्रॉक की डोरी के साथ अटैच किया इसको, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप किसी भी फ्लावर के साथ अटैच करें, आप इसको ब्रोच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ पे लगा सकते हैं, काफ़ी जगह पे ये यूज़ हो सकता है आपका। ऐसे ही एंड तक मैं इसको लेती जाऊंगी, 1, 2, 3। आपकी किसी भी टाइप की वूल हो, बस ये कि वूल सॉफ्ट होने चाहिए। कुछ लोकल वूल भी ऐसी होती हैं जो बड़ी नीट सॉफ्ट होती हैं, काम बड़ा अच्छा आपका करती हैं। इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों से ये भी शेयर करती जाऊंगी छोटे छोटे क्या इनको हम कहते हैं, हिंट्स जो होती हैं हमारे काम में, जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। या जैसे ये कोई टिप हमारी वूल की क्वालिटी के हिसाब से, मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करती जाऊँगी कौन सी वूल किस हुक के साथ बेटर जाती है। अब ये देख सकते हैं आप, मेरा एंड की तरफ काम जा रहा है। अब मेरे लास्ट 2-3 स्टिचेस रह गए, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपसे बात करती हूँ। ये मेरा स्पाइरल रेडी हो गया। जैसे मैंने ये पहले एक स्पाइरल बनाया था, अब ये मैंने एक और स्पाइरल बना ली। अब मैं इसको अपनी डोरी के साथ अटैच करना आपको सिखाऊँगी। ऐसे ही सिंपली तरीके से हम डोरी के अंदर हुक अपनी डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक दो बार आप स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसा करने से आपकी नीटनेस भी आ जाएगी और ये मजबूत भी मज़बूती से अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने अटैच कर लिया। एक दो बार आप और इसको स्लिप स्टिच कर सकते हैं जिससे ये मज़बूत हो जाएगी। और मैं इसको कट ऑफ कर दूंगी अपनी वूल को यहाँ से। बाकी फिनिशिंग आप खुद कर सकते हैं, ऐसे इसको फिनिश कर सकते हैं, इसको बैक साइड से नीट करके ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी का काम मैं ये देखें आप इसकी नीटनेस, हर चीज़ आप देख सकते हैं कि लटकने के लिए कितना ये प्यारा लगे किसी भी फ्लावर के नीचे, किसी डोरी पे। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रॉक के लिए यूज़ किया है। इंशाल्लाह ये मेरा सेट भी कंप्लीट होगा तो मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी। और आप मेरे से ऑर्डर पे चीज़ें बनवा सकते हैं, आप मेरे से वूल बाय कर सकते हैं, आप मेरे से सीख सकते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई से नई चीज़ शेयर करती जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।